पहले नंबर पर मुकेश अंबानी। दोस्तों मुकेश अंबानी 61 साल की उम्र में 47.3 अरब डॉलर दोस्तों यानी करीब 33 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बना लिए थे। और दोस्त दूसरे नंबर पर अजीम प्रेम जी। दोस्तों 73 साल की उम्र में मुंबई में पैदा हुए अजीम प्रेम जी इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इन्हें विरासत में खाना पकाने वाले तेल का बिजनेस मिला था। 1966 में पिता के देहांत के बाद उन्होंने बिजनेस संभाला और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के फील्ड को अपना व्यापार बनाया। आज विप्रो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आउटसोर्स कंपनी है। आउटसोर्स यानी किसी बड़ी कंपनी को अपनी कोई खास सेवा या कर्मचारी मुहैया कराने वाली संस्था है। इन्हें इंडियन आईटी कंपनी का सीजर कहा जाता है, जिसका मतलब रूस के सम्राट की पदवी होता है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 21 अरब डॉलर यानी करीब 15 अरब रुपए है। और दोस्त तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी निवास मित्तल। 68 साल की उम्र में दोस्त राजस्थान में पैदा हुए लक्ष्मी निवास मित्तल दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ हैं। इनके पिता मोहनलाल मित्तल भी स्टील का बिजनेस करते थे। 1976 में जब भारत ने स्टील उत्पादन को नियंत्रित कर दिया तो 26 साल के लक्ष्मी ने इंडोनेशिया में अपनी पहली स्टील फैक्ट्री खोली। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 18.3 अरब डॉलर यानी करीब 14 अरब डॉलर है। और दोस्त चौथे नंबर पर है हिंदुजा परिवार। हिंदुजा ग्रुप यानी चार भाई श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक हिंदुजा। सिंधी परिवार में पैदा हुए परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में मुंबई और कराची से ये कंपनी शुरुआत की थी। 1919 से 1979 तक हिंदुजा का हेडक्वार्टर ईरान में रहा, जहां इस्लामिक क्रांति शुरू होने के बाद इन्होंने अपने सरोकार यूरोप में शिफ्ट कर लिया। हिंदुजा ग्रुप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग बैंकिंग कॉल सेंटर हेल्थ केयर केबल टीवी तक के बिजनेस में है। चारों भाई एक जैसे कपड़े पहनना और एक जैसा चश्मा लगाना पसंद करते हैं। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति करीब 18 अरब डॉलर यानी करीब 30 अरब रुपए है। पांचवें नंबर पे हैं पल्लवजी मिस्त्री। 89 साल की उम्र में दोस्त भारत में जन्मे और 2003 में आयरलैंड की नागरिकता लेने वाले पल्लवजी मिस्त्री भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। सपुरजी पल्लवजी ग्रुप को नियंत्रित करते हैं। कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट टेक्सटाइल शिपिंग और पावर के क्षेत्र में काम कर रहा यह ग्रुप मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन आरबीआई ऑफिस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग जेएनयू स्टेडियम ओमान के सुल्तान का महल और मुंबई में सुमेरा लेक टावर जैसी इमारतें बना चुका है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक पल्लवजी की संपत्ति 15.7 अरब डॉलर यानी करीब 11 अरब रुपए है। और दोस्त यही छठवें नंबर पर है शिवनाथर। 73 साल की उम्र में दोस्त तमिलनाडु में पैदा हुए शिवनाथर आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एचसीएल के चेयरमैन है। कंपनी 1976 में अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गैरेज में शुरू की थी। कुछ समय इनका पहला इन्वेस्टमेंट 1,87,000 रुपए का था। शिव की इस कंपनी की शुरुआत कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने से हुई थी और एचसीएल इंडिया की चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 14.6 अरब डॉलर यानी दोस्त करीब 10 खरब रुपए है। और दोस्त यहीं सातवें नंबर पे हैं गोदरेज परिवार। आदि गोदरेज 76 साल की उम्र में दोस्त मुंबई में जन्मे आदि गोदरेज के सबसे बड़े बिजनेस समूह गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन है। गोदरेज ग्रुप मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों के धंधे में है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक गोदरेज परिवार की संपत्ति करीब 14 अरब डॉलर यानी करीब 9 अरब रुपए है।
और दोस्त यही आठवें नंबर पर दिलीप संघवी 63 साल की उम्र में। दोस्त गुजरात में जन्मे दिलीप संघवी दवाई बनाने वाली ग्रुप के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दिलीप के पिता शांतिलाल संघवी कोलकाता में दवाई को थोक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। 1983 में उन्होंने अपने पिता से 10,000 रुपए लेकर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति करीब 12.7 अरब डॉलर दोस्त यानी करीब 9 अरब रुपए है। और दोस्त ही 90वें नंबर पे हैं कुमार बिड़ला 51 साल की उम्र में। दोस्त कोलकाता में जन्मे कुमार मंगलम बिड़ला भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह में से एक हैं। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस ग्रुप की स्थापना 1857 में सेठ शिव नारायण बिड़ला ने की थी। शिव नारायण की कोई संतान नहीं थी तो 1880 के दशक में उन्होंने अपने बिजनेस की कमान गोद लेकर बेटे बलदेव दास बिड़ला को सौंप दी। इस ग्रुप का व्यापार मुख्य रूप से सीमेंट, एल्यूमिनियम, फैशन, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विस के इर्द गिर्द फैला है। अगस्त 2018 में कुमार ने अपनी कंपनी आइडिया सेलुलर को वोडाफोन में मिला दिया, जिससे वोडाफोन आइडिया कंपनी बनी जो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम फर्म है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक कुमार की संपत्ति करीब 12.5 अरब डॉलर यानी दोस्त करीब 9 खरब रुपए है। दोस्तों 10वें नंबर पर हैं गौतम अडानी 56 साल। गुजरात में जन्मे गौतम शांतिलाल अडानी अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं। गौतम ने 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना की थी। अडानी ग्रुप का बिजनेस मुख्य तौर पर खनिज, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, खेती, डिफेंस और एयरस्पेस जैसे क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट पर दोस्तों अडानी का नियंत्रण है। एलपीजी पाइप सप्लाई सीएनजी सप्लाई का अधिकार प्राप्त है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक गौतम की संपत्ति 11.9 अरब डॉलर यानी करीब 8.5 खरब रुपए है। दोस्तों इस पर एक लाइन याद आती है, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी दे पाए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ताकि इस तरह के जब भी कोई वीडियोज हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए नमस्कार।